हाय एवरीवन, हमारी बेसिक कुकिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक नई रेसिपी लेकर आए हैं, उसे हम ढेर सारी सब्जियों से बनाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। पैन ले लिया है, पैन में 2 चम्मच तेल डाले हैं, थोड़ा सा काली मिर्च डालेंगे, प्याज कटा हुआ डालेंगे और एक हरी मिर्च। 2 मिनट तक प्याज को भून लेंगे अच्छी तरह ताकि इसका कच्चा निकल जाए। अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे 1 चम्मच तक, और भी सब्जियों को डाल लेंगे। ये गाजर है, 2 गाजर लिया है मैंने, इसको रेत लिया है, कद्दूकस कर लिया है गाजर को। और ये शिमला मिर्च 1, और ये टमाटर। नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। 2 मिनट तक अच्छे से सब्जियों को पका लेंगे। सब्जियां पक गई हैं हल्की, तो हम इसमें और भी मसाले ऐड करेंगे। तो हम यहाँ पे पेरी पेरी मसाला डाल रहे हैं 1 चम्मच। अगर आपके पास पेरी पेरी मसाला नहीं तो आप मैगी मसाला भी डाल सकते हैं। ये थोड़ा सा सोया सॉस, थोड़ी सी चिल्ली सॉस, थोड़ा सा केचप, फ्रेंड। सब्जियों की बाइंडिंग के लिए अब हम थोड़ी सी आलू डालेंगे, उबला हुआ आलू है। ये हमारा अलग तरह का मसाला बन गया है, बहुत ही टेस्टी मसाला बनता है ये। तो 2 मिनट तक हम मसाले को आलू में भून लेंगे अच्छी तरह। तो फ्रेंड्स, हमारा अलग तरह का मसाला तैयार हो गया है, हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। तो फ्रेंड्स, एक दूसरा पैन रख दिया है गैस पर, उसमें 1 गिलास पानी डालेंगे, 1 चम्मच ऑयल, 1/2 चम्मच नमक, तो इसे अच्छे से मिला लेंगे। यहाँ पर डालेंगे 1 कप सूजी, तो 1 कप सूजी के साथ 1.5 कप पानी चाहिए, तो आप भी उसी तरह डालिएगा। 1 चम्मच जीरा भी डाल देंगे, इसको 2 फॉर्म तक चलाएंगे अच्छी तरह। फ्रेंड्स, ये देखिए 2 फॉर्म में हो गया है। अब गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे, इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। फ्रेंड्स, ये ठंडा हो चुका है, अब हम इसमें 4 चम्मच तक कॉर्नफ्लोर डालेंगे और हाथ में तेल लगा के इसे चिकना कर लेंगे अच्छी तरह। फ्रेंड्स, ये देखिए चिकना हो गया है बिल्कुल 2 फॉर्म में। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इस तरह से 2 को मैंने ले लिया है, और हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगा लें ताकि ये चिपके ना, तो हम इसे बेल लेंगे। और हम इसे ग्लास से काट लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से पूड़ियाँ बेल लेंगे इसकी। जो मैंने मसाला बनाया था इस तरह से इस पर फैला देंगे, और इसे ढक देंगे। ये देखिए बहुत ही बढ़िया बन के तैयार है। चलिए चाकू से थोड़ी सी डिज़ाइन भी दे सकते हैं इसको, इस तरह से चाकू के पीछे से देना है। ये देखिए, तो इस तरह से आप डिज़ाइन भी दे सकते हैं। चलिए हम इसी तरह सारा बनाएंगे। फ्रेंड्स, अब हम सलो फ्राई करेंगे। तो पैन में 4 चम्मच तेल डाल दिया है, और दोनों साइड गोल्डन कलर होने तक सेक लेंगे। फ्रेंड्स, देखिए गोल्डन हो चुका है, हम इसे निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारा नाश्ता बिल्कुल रेडी हो गया है सर्व के लिए। ये देखिए कितना क्रिस्पी बना हुआ, चलिए हम आपको क्रिस्पी दिखाते हैं इसका। तो ये ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट बने हैं। तो इसके आगे आप कचौड़ी समोसे भूल जाएंगे, पकौड़ी, अगर आप इस तरह से ये नाश्ता बनाएंगे तो ये नाश्ता बनाना बिल्कुल ही ईजी है। तो आप इस नाश्ते को ज़रूर ट्राई कीजिएगा एक बार। तो चलिए हम इसको तोड़ के दिखाते हैं। ये देखिए
कितना बढ़िया नाश्ता हमारा बना हुआ है, तो आप भी इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यह नाश्ता खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, ये देखिए। तो आप भी इस तरह से ये नाश्ता बनाइए, खाइए, इंजॉय कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।